मैं वहां पढ़ता था उज्जैन में, तो डॉक्टर रचना जी भी वहां पे एमडी कर रही थी। उसके बाद मैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में फिलहाल स्वस्थ रुग्ण विभाग में एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और चूंकि मेरे मेरे जो जो भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ उस पर हमारे गुरुओं का इम्पैक्ट रहता है, तो पंचकर्म में डॉक्टर निगम का इम्पैक्ट रहता है, जैसा कि डॉक्टर रचना जैन जी ने बताया। और जो मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दूंगा, इसमें हमारे एक श्रद्धेय गुरु जिन्होंने हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया, प्रोफेसर सुनील जोशी, उनका इम्पैक्ट रहता है। तो हम किसी भी हम कभी भी जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो अपने गुरुओं का एक रिप्लिका और एक उनका अक्स जो है अपने अंदर दिखता है। और हमारे मेरे ऊपर कई सारे गुरुओं का असर है। मर्म योग और प्राणायाम की कक्षाएं चलाता हूँ जूम पर, जिस पर भारत भर से लोग जुड़ते हैं। मैं उसी पर एक थोड़ा सा प्रायोगिक प्रेजेंटेशन दूंगा, जबकि स्वस्थ वृत्त एक विषय ऐसा है जिस पर प्रायोगिक चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और वर्तमान समय में जब कोरोना का एक समय है, लोग घरों में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखे हुए हैं, ऐसे में लोगों को डिप्रेशन और अवसाद से निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसको शायद आप और हम भी प्रयोग करें अपने अंदर, तो बहुत सारी चीजों में लाभ मिल सकता है। उसी का एक मैंने प्रेजेंटेशन जो था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली ये बेस्ड है कि जो टेक्निक है मर्म योग और प्राणायाम का एक मिक्सचर है, वो किस प्रकार से आपको अपने जीवन में स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो चिकित्सा विधा रही है वो आयुर्वेद से प्राचीन समय में वैदिक चिकित्सा विधा जो थी वो काफी लोग उसको प्रचलित थे, जिसके चार डिविजन्स थे, जिनमें आंगिरसी, मनुष्यजा, दैवी और अथर्वणी, ये चिकित्साएं चलती थी उस समय। और जिसमें यदि आप देखें तो आंगिरसी चिकित्सा का आज भी इम्पैक्ट या आज भी बहुत सारी चीजें हमारे त्रिकाल संध्या में या फिर अंगन्यास और करन्यास की जो विधियां हैं उनमें मिलता है, जब हम अपने कुछ विशेष स्थानों को हम स्पर्श करते हैं पूजा के दौरान। लेकिन ये केवल एक सांकेतिक रूप में होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसे अगर अपने कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको अगर हम अपने बिजी शेड्यूल में भी यदि हम अपने आप को इसको प्रयोग करें और 30 से 35 मिनट अगर हम समय दें तो हम अद्भुत लाभ ले सकते हैं। पूरे दिन हम अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। चूंकि स्वस्थ रुद्ध का विषय है और मैंने थोड़ा सा सब स्वस्थ रुद्ध के साथ इसको जोड़ करके चलने के हिसाब से मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको देने का प्रयास किया है। तो इसे कहते हैं स्वमर्म चिकित्सा, यानी आप स्वयं के मर्मों का उत्प्रेरण करके स्वयं को स्वस्थ रख सके। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसे बिंदु होते हैं शरीर में जहां पर प्राण का निवास होता है। कहते हैं कि मान, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का जहां पर सम्मिलन होता है वहां पर ईश्वर के स्वरूप में प्राण निवास करते हैं। यदि ईश्वर को कहीं ढूंढना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में ही ईश्वर निवास करते हैं और वो स्थान चयनित है और उनका नाम इस प्रकार से दिया गया है कि आपको उनके नाम की व्याख्या करते समय भी ये प्रतीत होता है कि हाँ ये ईश्वर के स्थान है। जैसे कि मैं कुछ बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपने शल्य तंत्र में इसको अंतिम वर्ष में पढ़ा होगा, लेकिन शायद उस वक्त ये विषय बहुत अरुचिपूर्ण लगा होगा और जैसा कि आपको लगता होगा कि इसका क्या उपयोग हो सकता है, क्योंकि ये तो विषयों में ऐसा विषय है जो बचाने के लिए आता है या जहां पर इंजरी होने पर जो है वो प्रोटेक्ट करने की बात आती है और डेथ की बात आती है, पर मैं यहाँ उसको प्रिवेंशन में बताऊंगा आपको कि हेल्थ को प्रिवेंट करने में ये बहुत बेहतरीन है। तो जब भी आप कुछ टेक्निक्स है आप इसको फॉलो करें तो सबसे पहले आप सुबह के समय आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, ढीले कपड़े पहने और सही प्रैक्टिस को करने के लिए आप सीधे और अलर्ट पोजीशन पे बैठें, कॉन्वीनियंट पोजीशन पे बैठें और अपने, चूंकि आप सब स्वस्थवृत्त और योग से जुड़े हुए हैं तो मुझे योग के आसन को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बस मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि उन आसनों को करने के दौरान क्या मर्म बिंदुओं पर प्रभाव पड़ता है, मैं यही बताना चाहूंगा। तो अगर आप सीधे आप सरल सुखासन में या सिद्धासन में या पद्मासन में बैठते हैं तो बहुत ही सरल है,
ज्ञान मुद्रा आप अपना सकते हैं बैठते समय। तो ये मोस्ट कॉमन पोस्चर है जो हम बैठते हैं और अडॉप्ट करते हैं। यदि आप गौर करें तो इस पोजीशन पर बैठने के दौरान जो हमारी एड़ी होती है वो एक मर्म, लोहिताक्ष मर्म और विटप मर्म को टच करती है, और लोहिताक्ष और विटप मर्म इतने अद्भुत मर्म है कि यदि विटप मर्म किसी का लगातार दबा दिया जाए तो व्यक्ति उसके पुंसत्व का उपघात हो सकता है, और वही विटप मर्म अगर प्रॉपरली स्टिमुलेट किया जाए तो वो लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जो क्रॉस लेग पोस्चर है, जो सुखासन कहते हैं या पद्मासन करते कहते हैं, इसमें हमारे जानु मर्म और लोहिताक्ष और विटप मर्म स्टिमुलेट होते हैं। यानी अगर हम इस पोजिशन में बैठते हैं उसमें भी अगर हम वज्रासन की पोजिशन को देखें तो वज्रासन में जो अगर हम बैठते हैं और जो दोनों एड़ियां पास में होती है और जो एड़ियों का हिस्सा जो कमर के जिस हिस्से पे लगता है उस बिंदु का नाम अगर आप गौर से देखें तो उसका नाम कटिक तरुण है। यानी कि ऐसा बिंदु जहां पर टच करने से आपके कमर युवा जैसी रहेंगे, यानी कि कमर की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में ये बेहतरीन बेहतरीन आसन है जो कटिक तरुण मर्म को उत्प्रेरित करता है। तो ये हम कोई भी पोस्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, वज्रासन है, अर्ध पद्मासन है, पद्मासन है। और यदि व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं, यदि ओल्ड एज के हैं, आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, तो दे कैन अडॉप्ट पोस्चर ऑन द सिटिंग पोस्चर्स, और ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप स्टैंडिंग पोस्चर्स में भी आप खड़े रह सकते हैं। लेकिन प्रयास ये किया जाए अगर व्यक्ति बैठ सकते हैं तो वो उपरोक्त पोस्चर्स को अडॉप्ट करें। तो मैंने बताया कि लोटस पोस्चर जो है वो बेस्ट पोज है, और प्रैक्टिशनर्स को हमेशा ये पोस्चर्स अडॉप्ट करना चाहिए, और ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वर्टिब्रल कॉलमन जो है वो सीधी रहे ताकि गर्दन पर और स्पाइन पर कोई स्टिफनेस ना आए, और ये बहुत ध्यान रखने की बात है। पहली जो इसको स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स कराते हैं, फिर हम डीप ब्रीदिंग कराते हैं, फिर हम बॉडी को इस पूरे ब्रह्मांड के एक पिंड के स्वरूप में हम अपने आप को देखने का अनुभव लेते हैं, फिर हम अपने जो साइकिक सेंटर्स हैं उनको परसीव करते हैं, फिर हम अपने मर्म बिंदुओं को अधिपति से लेकर के नीचे पैर के तल हृदय तक हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अपने इन बिंदुओं पर थंब और फिंगर से भी आप हल्की अभ्यंग दे सकते हैं। ये भी वही लाभ देता है जो लाभ एक रिलैक्सेशन के दौरान उत्प्रेरण से मिलता है। यदि आप इस प्रॉपर पोस्चर्स में बैठते हैं और अपनी आंखों को बंद करके फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और फिर इनहेल करते हैं 5 से 10 बार, ये रिदमिक पैटर्न में करते हैं जिससे आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन इस दौरान आप अपने पूरे मस्तिष्क को कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने विभिन्न मर्म बिंदुओं पर। एक बात गौर करने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट आप तभी करेंगे जब आपको इन मर्म बिंदुओं की लोकेशंस पता होगी। तो आपको अधिपति से लेकर के जितने भी मर्म हैं उन सभी की लोकेशंस पता होनी चाहिए। लेकिन आप इन मर्मों को तो जानते ही हैं जो एनल रीजन में है, जो अम्बिलिकस, जो हृदय, जो कंठ है, जो भ्रूमध्य पर आपका स्थपनी मर्म है, ये सारे मर्मों को आप एक बार देखिए, चूंकि यहाँ पर ईश्वर का निवास होता है। फिर धीरे धीरे इनको प्रेस करते हैं, इन मर्म बिंदुओं को का क्रम जो होता है वो लोअर, अपर एक्सट्रीमिटी और सेंटर टू पेरिफेरी होता है। इसमें एक क्रम ये ध्यान रखना होता है कि जो महिलाएं हैं वो बाईं तरफ के मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण पहले करती हैं और पुरुष उस तत्पश्चात दाहिने तरफ के मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले अपर एक्सट्रीमिटीज के मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करते हैं। अगर आप अपर एक्सट्रीमिटीज के मर्म बिंदुओं को जानते होंगे तो अंश, पूर्वी, आणी, पूर्पर, इंद्रवस्ती, मणिबंद, क्षिप्र और तल हृदय, ये मर्म आपने सुना होगा। इन मर्म बिंदुओं को स्टिमुलेट करने का अलग अलग तरीका है, मैं थोड़ा बहुत आपको ये प्रेजेंटेशन जब हो जाएगा तो 5-10 मिनट में मैं बताऊंगा। तो ये सीक्वेंस में हम करते हैं, पहले अपर एक्सट्रीमिटीज के मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्षिप्र, कूर्च, कूर्च सिर, गुल्फ, इंद्रवस्ती, जानु और आणी और पूर्वी, ये मर्म होते हैं सेल्फ। फिर उसके बाद हम अपने थोरैक्स और एब्डोमेन में मिलने वाले मर्म बिंदुओं को, जो बहुत ही बेहतरीन मर्म बिंदु होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसके लिए अलग अलग पोजीशंस बनती हैं। इसके अलावा बैक के मर्म, आजकल बहुत समस्या है लोगों में कमर दर्द की, गर्दन दर्द की, ऐसे में ये अद्भुत रिजल्ट देते हैं। आप एक बार प्रयोग करके देखिए तो आप
कैसे किस प्रकार से आप बैक के मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और गर्दन के मर्मों को स्टिमुलेट करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से इनडायरेक्टली इनको स्टिमुलेट करते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूंगा। कन्वेंशनल जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो डेली लाइफ से कनेक्ट करती हैं वो सारे मर्म विज्ञान से जुड़ती हैं। यदि हमारे साधु महात्मा खड़ाऊ पहनते थे तो खड़ाऊ पहनने का उद्देश्य जो था वो ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह से था, जो क्षिप्र मर्म को दबाता था। लेकिन वही क्षिप्र मर्म यदि स्टिमुलेट किया जाए तो वो लिबिडो को इनहेंस करने में भी प्रयोग में आता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के सैंडलवुड पेस्ट आप इन जगहों पर लगाते हैं, जो हमारे यहाँ पूजा के दौरान भी हम देखते हैं, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, वो भी पर्टिकुलरली मर्म स्थान विशेष पर स्टिमुलेशन होता है उससे, और हम अपने फोरहेड पर बिटवीन द आईब्रोज तिलक लगाते हैं, जिसका भी सीधा सीधा संबंध मर्म बिंदुओं से जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटीज में जो हम देखते हैं कि मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण और इनका कंसिडरेशन, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ता है, सदवृत्त से जुड़ता है, स्वस्थ वृत्त से जुड़ता है। इसी प्रकार हम पूजा या फिर हमारे बड़े बड़े गुरु जी या फिर रक्षाबंधन के दौरान हमारे हाथ पर कलावा बांधना, जिसे हम कलावा कहते हैं, ये मणिबंध मर्म को उत्प्रेरित करता है। इसी प्रकार यदि हम गौर करें तो हम यदि उपनयन संस्कार के बाद यज्ञोपवीत का धारण करते हैं मलमूत्र विसर्जन करने के दौरान, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे विधुर मर्म से कनेक्ट होता है। यदि इस्लाम में देखें तो स्पेसिफिक पोस्चर्स अडॉप्ट किए जाते हैं नमाज पढ़ने के दौरान 5 बार, तो वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्मों को स्टिमुलेट करता है, जो सदवृत्त या स्वस्थ वृत्त के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार हम सत्संग में या फिर पूजा करते समय या कहीं पर भी मनोरंजन के दौरान तालियां बजाते हैं, तो ये भी हमारे कूच कूच सिर और तल हृदय मर्मों को स्टिमुलेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैन इज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट एंड सॉल, यानी हमारे इस शरीर में रहने वाली आत्मा और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सारी चीजें तभी संभव हो सकती है जब हम स्वस्थ हैं, और ये सब हम जानते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो हमारे पास वेदों से जो आया हुआ ज्ञान है, जो अंगिरसी चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसे मर्म चिकित्सा कहते हैं, वो अत्यंत ही लाभकारी है स्वस्थ वृत्त के हिसाब से, स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों ही विज्ञान, जो मर्म है और योग है, यदि इनको मिला करके प्रयोग में किया जाए तो हमारे हेल्थ स्टेटस ऑफ बॉडी को ये इम्प्रूव करने में बहुत लाभकारी करेंगे, ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, और ये प्रैक्टिसेस जो हैं ये फिजियोलॉजी को, इवन फिजियोलॉजी और इवन साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हमें ठीक कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हायर स्टेजेस ऑफ योग में आसन है, मुद्रा है, प्राणायाम है, बंध है, ये सपोर्टिव है हायर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, लेकिन मर्म और योगिक पोस्चर जो है ये इनहेरेंट है और इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे एब्डोमिनल रीजन, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पे पड़ता है। ये मर्म विज्ञान की प्रैक्टिस कोई एक्सरसाइज नहीं, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये री एनर्जाइज करती है हमको, और हम पूरे दिन रिचार्ज रह करके हम पूरी तरह से अपने काम को फिट और फाइन कर सकते हैं। ये कुछ पोस्चर्स हैं जो आपने देखा होगा और मैंने उनका कोऑर्डिनेशन किया है मर्म बिंदुओं से। जैसे अगर हम लोटस पोजीशन पर बैठते हैं तो सिंपली हमारे क्षिप्र तल हृदय कूच और कूच सिर मर्म स्टिमुलेट होते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज का विशेष रूप से गुल्फ मर्म स्टिमुलेट होता है। यदि हम सिद्धासन में बैठते हैं तो भी हम इसमें भी हम मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करते हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारा एनोरेक्टल रीजन और हमारे यूरिनरी रीजन के मर्म जो है गुदा और वस्थि मर्म स्टिमुलेट होते हैं। इसी प्रकार यदि हम गोमुखासन में बैठते हैं तो यह भी हमारे अंश फलक मर्म और बृहती मर्मों को स्टिमुलेट करता है। ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है योग का मर्म से है। इसी प्रकार यदि हम सर्वांगासन करते हैं तो यह भी हमारे अंश फलक, अंश बृहती, पार्श्वसंधि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और गर्दन के मर्मों को स्टिमुलेट करता है। इसी प्रकार हम हलासन जब करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो गर्दन में हमारी कृकाटिका मर्म है, आज तक हमने कृकाटिका मर्म को केवल इसलिए जाना होगा कि इस पर आघात से चल मूर्धा हो जाती है, लेकिन शायद ये बात शायद ही पता हो कि ये अल्टीमेट मर्मा है जो फ्लेक्सन ऑफ द नेक,
जो हमारे गर्दन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके अलावा जब हम इस प्रकार से हलासन करते हैं तो ये अंश फलक वृहति पार्श संधि हृदय स्तन मूल स्तन रोहित अपलाप इन सभी मर्मों का स्टिमुलेशन करता है। इसी प्रकार हम यदि पवन मुक्तासन करते हैं, जिसका हम सब जानते हैं कि हमारे वायु के लिए अत्यंत उत्तम है, वायु के निष्कासन के लिए, एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए, लेकिन इससे हमारे विटप लोहिताक्ष वस्ती नाभि और जितने भी थोरेसिक मर्मा है वो स्टिमुलेट होते हैं। कोबरा पोज जो हम भुजंगासन करते हैं, इस भुजंगासन के दौरान भी हमारे कक्षधर मर्म, विटप मर्म, लोहिताक्ष मर्म, वस्ती नाभि, थोरेक्स के मर्म और लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्मा स्टिमुलेट होते हैं। यदि हम धनुरासन करते हैं तो यह पूरी तरह से हमारे विटप लोहिताक्ष वस्ति नाभि और थोरेसिक मर्म को स्टिमुलेट करता है। यदि हम चक्रासन करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन विटप लोहिताक्ष वस्ति नाभि और थोरेसिक मर्म को ये स्टिमुलेट करता है और दोनों एक्सट्रीमिटीज के मर्म इससे स्टिमुलेट होते हैं। यदि हम अर्धमत्स्येन्द्रासन करते हैं तो भी हमारे यही मर्म स्टिमुलेट होते हैं। मंडूकासन करते हैं तो आप सब जानते हैं इससे हमारे जो हार्ट लंग्स के अलावा विटप लोहिताक्ष वस्ति नाभि और थोरेक्स के मर्म स्टिमुलेट होते हैं। इसी प्रकार वज्रासन के बारे में तो मैंने बताया कि विटप लोहिताक्ष वस्ति नाभि और थोरेक्स के मर्म स्टिमुलेट होते हैं। रिलैक्स पोज में जब हम शवासन में लेटते हैं तो भी सारे बॉडी के मर्म पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में स्वस्थ वृत्त और सद्वृत्त के हिसाब से कि हम इन दोनों को एक साथ मिला करके यदि प्रयोग करें और इस प्रकार से प्राणायाम और मुद्रा के साथ में इसका प्रयोग करें और चक्रों का ध्यान रखते हुए, तो ये रिमार्क्ड है एक्सटेंडिंग दिस परसेप्शन दैट सेल्फ मर्म थेरेपी इन इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज अ योगिक प्रैक्टिस। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के हमें इसका प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हमारी वेबसाइट्स है और हम ये प्रचारित और प्रसारित करने का काम पूरे लॉकडाउन में अपनी कक्षाओं को चला के कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं बहुत लंबा प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता था, मैंने यही प्रायोगिक प्रेजेंटेशन दिया। यदि आप में से किसी को इस बिंदुओं के बारे में कुछ शक हो, कुछ पूछना हो, वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी स्वस्थ वृत्त के स्टूडेंट को एनाटॉमी याद हो गई, रिवाइज हो गई।